हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप सभी के जो है सामने आया हूँ अपने वोकैब सेशन के साथ, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ अपना वही टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन नंबर 4। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें मैं आपको सेशन नंबर जो 4th है वो क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें कि जो अब तक के मेरे प्रीवियस ईयर के आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ कोई भी ऐसा इडियम एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी इडियम्स को मैं अपने इस टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस के सेशन के अंदर जो कवर करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज जो अपने सेशन नंबर 4 का टर्न है, तो शुरुआत करता हूं अपने आज के सेशन नंबर 4th की। तो दोस्तों, आज का जो मेरे इडियम की शुरुआत होगी, आज हमारी शुरुआत होने वाली इडियम नंबर 61 से। इट्स मीन्स इससे पहले के जो 60 इडियम हमारे हैं वो मैं आपको जो सेशन 1st, 2nd, 3rd में जो क्लियर कर चुका हूं, तो आज जो हम 61 से अपने क्लियर करते हैं। देखो भाई, पहला जो आज का आइडियम है, टू किक वंस हिल्स। पहला आइडियम क्या है? टू किक वंस हिल्स। तो ये जो आपका आइडियम है, इसका मतलब होता है आपका वेस्ट टाइम। इसका आपका मीनिंग क्या होता है? वेस्ट टाइम। इट्स मीन्स जब भी कभी कोई भी इंसान अपना जो समय है उसको व्यर्थ में गवा दे, इट्स मीन्स उसको वेस्ट कर दे, तो उसके लिए एक आइडियम यूज किया जाता है, टू किक वंस हिल्स। कैसे याद रखोगे? देखो भाई, ये कह रहा है टू किक। किक का मतलब होता है अपनी लात मारना। जो हम किसी बंदे को लात मारते हैं तो कहते हैं ना, किक मार दी इसने मुझको। किक कर रहे हैं आप किसको? अपनी खुद की हील्स को। ऐसे समझिए मेरे भाई, आप किसी चेयर पे बैठे हुए थे और अगर आप उसी चेयर पे नीचे की तरफ किक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप गिर जाएंगे। तो आप बिना वजह की ही तो ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, या फिर अगर आप कोई भी अपनी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिसमें कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं, गवा रहा हूं, तो उसके लिए एक idiom यूज किया था, टू किक वंस हिल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। idiom नंबर 2, ये कहता है एक बुल इन अ चाइना शॉप। तो देखो, बुल इन अ चाइना शॉप का जो मतलब होता है, इसका मेरे भाई मीनिंग होता है आपका कि एन अवकवार्ड पर्सन। एन अवकवार्ड पर्सन, ठीक है जी। इसका मीनिंग आपका क्या होता है? एन अवकवार्ड पर्सन। इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा ही बेहुदा है, बड़ा ही जिद्दी है, बड़ा ही ढीठ है, इस प्रकार के जो इंसान होते हैं उनके लिए एक idiom यूज किया जाता है, अबुल इन अ चाइना शॉप। तो उसका क्या हो गया? एन अवकवार्ड पर्सन, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं क्लमसी पर्सन। इसी को आप क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? क्लमसी पर्सन। जो क्लमसी पर्सन होता है, क्लमसी का मतलब आपका होता है अनाड़ी। क्लमसी का मतलब क्या होता है? अनाड़ी। तो इट्स मीन्स अगर कोई इंसान है बड़ा अनाड़ी है, बड़ा ही जिद्दी प्रवृत्ति का, मतलब दिमाग पे जोर नहीं देता, अपना बस ताकत का यूज करता है, या फिर बड़े बेहुदे तरीके से काम करता है, तो ऐसे इंसान के लिए एक idiom यूज किया जाता है कि आप बुल इन अ चाइना शॉप। याद कैसे रखोगे भाई? देखो, बुल का मतलब आप सभी जानते हैं, बुल का मतलब होता है आपका बैल, और बैल में भी बोला जाता है जो सांड होता है, देसी जो सांड होता है अवारा, उसको बोला जाता है बुल, ठीक है। जो बैल होता है पालतू, उसको ऑक्स बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं बुल इन अ चाइना शॉप। अब चाइना शॉप क्या होती है? चाइना शॉप हमारी होती है वो शॉप जिसमें कि आपके कप प्लेट, मतलब जो आपके कांच से बने हुए सामान होते हैं, जो हमारी क्रॉकरी होती है वो मिलती है, उसको बोला जाता है चाइना शॉप। अब आप बताइए कि अगर कांच के जो क्रॉकरी है उस दुकान पर, कांच की क्रॉकरी वाली दुकान पर अगर एक सांड पहुंच जाए तो वो क्या करेगा? सबको तोड़ फोड़ देगा, वो तो वेस्टेज कर देगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई इंसान अनाड़ी है, बेहुदा है, बदतमीज है, इस तरीके का है, जो दिमाग पे जोर नहीं देता, तो ऐसे इंसान के लिए टर्म यूज की जाती है अबुल इन आ चाइना शॉप। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बात कर लेता हूं अपने आज के 3rd idiom की। और जो हमारा आज का 3rd idiom है, हमारा आज का 3rd idiom है आपका अब ब्लैक शीप। अब देखो, ब्लैक शीप जो है ये भी बड़ा प्यारा है। इसी के जैसा एक मेरा और भी idiom होता है अब ब्लैक डॉग। तो ये दोनों ही idiom मैं आपको जो इसके साथ ही साथ क्लियर करने वाला हूं। तो देखो भाई, idiom है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है अ डिसग्रेसफुल पर्सन। इसका मतलब क्या होता है आपका? डिसग्रेसफुल पर्सन। इट्स मीन्स एक ऐसा इंसान जिसके कारण आपको भी अपमान सहना पड़े, तो ऐसे इंसान के लिए टर्म यूज की जाती है ब्लैक शीप। पॉइंट समझ में आ गया? तो ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसके कारण आपको भी बेइज्जती जो बर्दाश्त करनी पड़ रही है, या फिर अगर उसके साथ में आप जा रहे हैं तो आपका भी नाम गंदा हो जा रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए टर्म यूज की जाती है ब्लैक शीप। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक मेरा idiom होता है, उसको समझना, और idiom होता है मेरा अ ब्लैक डॉग। ए ब्लैक डॉग। अब इस ब्लैक डॉग को और समझो। ये जो ब्लैक डॉग होता है, इस ब्लैक डॉग का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि मतलब
चरित्रहीन है, समझ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका जो कैरेक्टर है वो लूज कैरेक्टर होता है, तो अगर लूज कैरेक्टर पर्सनैलिटी है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है आपकी ब्लैक डॉग। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, डिसग्रेसफुल पर्सन, और जो ब्लैक डॉग है उसका मतलब होता है लूज कैरेक्टर पर्सनैलिटी, ठीक है, या फिर अ पर्सन हु हैज अ लूज कैरेक्टर। ये थोड़ा मैं अपनी खुद की वर्ड से यूज कर रहा हूं जिससे कि आप लंबे समय तक बातों को याद रख सके। आई होप वर्ड क्लियर हो गया होगा। बात कर लेना भाई नेक्स्ट इडियम की। नेक्स्ट है मेरा ह्यू एंड क्राई। अब देखिए ह्यू एंड क्राई जो होता है, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, इट्स मीन्स आपका जो शोर शराबा है उसके लिए यूज किया जाता है ह्यू एंड क्राई, ठीक है। तो इसका आपका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट स्टिल, ग्रेट स्टिल इट्स मीन्स जो आपका शोर शराबा होता है, आवाजें होती हैं, तो उन सारे जो शोर शराबा होता है उसके लिए टर्म यूज की जाती है ह्यू एंड क्राई। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वीर फिश। नेक्स्ट है मेरा क्वीर फिश। क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज फेलो, इसका आपका मीनिंग क्या होता है स्ट्रेंज फेलो, और स्ट्रेंज फेलो का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा अजनबी इंसान जो कि आप उसको, मतलब कोई भी एक अजनबी इंसान जो कि आपकी मदद कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप उसको जानते नहीं है। तो अगर कोई अजनबी इंसान है वो आपकी मदद कर रहा है, साथ में है, इट्स मीन्स अननोन पर्सनैलिटी अगर आपकी हेल्प के लिए सामने आ जाता है, आपकी मदद करता है, कुछ भी एक्सपेक्टेड आपकी हेल्प करता है, तो ऐसे इंसान के लिए टर्म यूज की जाती है अब क्वीर फिश। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो क्वीर फिश का मतलब क्या हो गया आपका स्ट्रेंज फेलो, एक ऐसा फेलो, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा सहायक जो कि स्ट्रेंज है, मतलब अननोन है, जो कि पहली बार आया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। ये कह रहा है 40 विंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है, कितनी बार ये अपना आया हुआ है सिस्टम में, और इसका मतलब होता है अननैप, इसका मतलब क्या होता है आपका अननैप। और ये जो वर्ड मैंने लिखा नैप, इस नैप वर्ड को समझना, इस नैप वर्ड का मतलब होता है आपका झपकी, ठीक है जी, इसका मतलब आपको क्या होता है झपकी। अब झपकी आप सभी समझ चुके होंगे, जैसे कि अक्सर हम जब पढ़ते रहते हैं तो कई बार अगर हम लेट नाइट स्टडी करते हैं तो लेट नाइट स्टडी में एक समस्या बहुत आती है, झपकियां बहुत आने लग जाती हैं। तो ये जो हम पढ़ते पढ़ते हमारी जो नींद आ जाती है, छोटे से समय के लिए हम अपनी नींद में चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो इस छोटी सी जो नींद होती है इसको बोला जाता है आपका नैप, इट्स मीन्स झपकी। और इडियम्स की भाषा में क्या बोला जाता है 40 विंग्स। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो 40 विंग्स का मतलब क्या हो गया अ नैप, इट्स मीन्स आपकी छोटी मोटी कोई भी झपकी जो हमें नींद में आ जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए भाई आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट मेरा गिबल गैबल, मोस्ट इंपोर्टेंट रहा अपने आप में, और इसका मतलब आपका होता है फुल स्टॉप, ठीक है जी, इसका मतलब आपका क्या होता है फुल स्टॉप, मतलब जो मूर्खों की बात होती है उनको बोला जाता है गिबल गैबल। तो मूर्खों की बात को क्या बोलते हैं गिबल गैबल, जो पागलों वाली बात होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक साथ दो मूर्खों को बैठा दिया जाए तो उनकी जो बातें होती है वो सुनने लायक होती है, बड़ा मजा आता है, ठीक है ना, ये एक्सपीरियंस मैंने कई बार लिया हुआ है। तो भाई जब मूर्खों की बात होती है, बावलों की बात होती है, उनको आप क्या बोलेंगे गिबल गैबल। पॉइंट क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे गिबल गैबल। चलिए जी आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्या है मेरा गो टू डॉग्स। अब देखिए भाई गो टू डॉग्स जो मेरा नेक्स्ट इडियम है, और इसका मतलब होता है टू डेटोरेट या फिर टू डिजनरेट, ठीक है, इट्स मीन्स अगर आप किसी भी चीज को व्यर्थ कर दे रहे हैं, वेस्ट कर दे रहे हैं और बेवजह कोई एक्शंस करते हैं, तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं गो टू डॉग्स, ठीक है जी। तो गो टू डॉग्स का मतलब क्या होता है टू डिजनरेट, इट्स मीन्स कुछ भी चीज जनरेट ना करना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया टू डिजनरेट, ठीक है जी। तो टू डिजनरेट का मीनिंग आपका क्या निकल जाता है व्यर्थ होना, ठीक है जी, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आपने व्यर्थ में कर दी, बिना वजह आपने कोई एक्टिविटी अगर कर दी तो उसको आप क्या बोलते हैं गो टू डॉग्स। समझ पा रहे हैं भाई, किसी चीज का कोई रिजल्ट नहीं आया, आपने बिना मतलब अपना एक समय पैसा और अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट कर दी, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे गो टू डॉग्स। पॉइंट क्लियर हुआ होगा जी। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। ये कह रहा है फैंसी प्राइस, बढ़िया सा आइडियम है, बहुत प्यारा आइडियम है ये। और फैंसी प्राइस जो मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है एट एनी प्राइस, समझ रहे जी, एट एनी प्राइस एट एनी कॉस्ट, मतलब जब किसी भी वस्तु को या फिर जब किसी एक वस्तु को किसी भी कीमत पर बेचा जा सके, तो वो जो उसकी कीमत हुई जो निश्चित ही नहीं है, उसको आप अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं, तो वो जो कीमत होती है उसको बोला जाता है फैंसी प्राइस। क्यों प्राइस फैंसी है, क्योंकि भाई वो निश्चित ही नहीं, जो मन करे सो कीमत आप उसकी जो वसूल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में टर्म यूज की जाती है फैंसी प्राइस, इट्स मींस एट एनी कॉस्ट, चाहे जिस कीमत पर आप उसे बेचना चाहें, तो क्या वर्ड आएगा उसके लिए मेरे भाई फैंसी प्राइस। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई बात कर रहे हूं अपने टेंथ इडियम की, और टेंथ इडियम है आज का आपका फेयर वेदर फ्रेंड। अब देखो भाई ये भी बड़ा प्यारा है अपने आप में, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपका टेंथ इडियम है इसको यहां क्लियर करता हूं, इसका सीधा सीधा मतलब होता है सेल्फ फ्रेंड,
इसका आपका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? सेल्फिश फ्रेंड, इट्स मींस कोई भी आपका एक ऐसा दोस्त जो कि स्वार्थी है, मतलब का दोस्त है आपका, तो उसके लिए हम टर्म यूज की जाती है आपका फेयर वेदर फ्रेंड। या फिर कह सकते हैं कि आप फ्रेंड हु इज विद अस इन अ फेवरेबल कंडीशन, समझ रहे हैं कि एक ऐसा दोस्त जो कि हमारे साथ, जो हमारी अच्छी परिस्थितियां हैं उनमें तो साथ रहे, लेकिन जैसे ही हमारी विषम परिस्थितियां शुरू हो, इट्स मींस हमारे पास दुख का समय हमारा शुरू हो, हमें छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे सभी दोस्तों को बोला जाता है आपका फेयर वेदर फ्रेंड। इनके लिए और भी एक टर्म यूज की जाती है, स्वार्थी मित्र हो जाएगा, एक और आती है सुख के साथी, इट्स मींस कोई भी ऐसा साथी जो आपके सुख में तो साथ दे, लेकिन जैसे ही आपके दुख का समय आए, आपके विपदा आए, कोई भी परेशानियां छोड़ के साथ जाए, समझ रहे हैं भाई? तो ऐसे को क्या बोल देते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड। देखो बड़ा बढ़िया सा वर्ड है, फेयर माने अच्छा, वेदर माने मौसम, और दोस्त मतलब अच्छे मौसम वाले मित्र, एक ऐसे दोस्त जो कि अच्छे मौसम में तो साथ है, लेकिन जैसे ही मौसम बिगड़ा, इट्स मींस आपका टाइम खराब आया और वो छोड़ के साथ, तो ऐसे सभी दोस्तों क्या बोलोगे? फेयर वेदर फ्रेंड। पॉइंट क्लियर हुआ होगा भाई। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, और हमने 10 इडियम जो अपने क्लियर कर लिए, और आई होप आपको ये 10 के 10 इडियम याद भी हो गए होंगे। और भाई फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने नोटबुक नहीं बनाई तो भैया नोटबुक बना लो, पॉसिबल हो तो वो कैब्स की अलग बनाओ, ग्रामर की अलग बनाओ, क्योंकि पर डे एक वीडियो आ रही है, और वीडियो के अंदर जो मैं कंटेंट ले रहा हूं वो अपने आप में बेस्ट है, सुपर है, ठीक है ना भाई? तो इसका ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इस लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि मेरे पास फिलहाल टाइम है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लो, इट्स मींस इस अपॉर्चुनिटी को पूरा पूरा जितना हो सके इसका बेनिफिट आप जो लो, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई लॉकडाउन के बाद में टाइम रहे ना रहे, और मैं इतना काम अपना यूट्यूब पे कर पाऊं जितना कि मैं अब टाइम यूट्यूब को दे पा रहा हूं, ठीक है भाई? तो ज्यादा बेटर है कि जो ये मिल रहा है इसको फ्री में मिल रहा है अपना, बेटर इसका जो अपॉर्चुनिटी को आप जो यूटिलाइज करो। चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं 71 ईडीएम पे, इट्स मींस आज के 11वें ईडीएम की बात कर ले रहा हूं। ये कह रहा है आपका हिट बिलो द बेल्ट। अब देखो भाई हिट बिलो द बेल्ट का मतलब आप कैसे समझते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, मेल कैंडिडेट होते हैं या फिर मेल और फीमेल, वो यहाँ पे बेल्ट का यूज करते हैं, बेल्ट लगाते हैं भाई सभी। अब इस बेल्ट से नीचे की तरफ अगर कोई बंदा मारता है तो आप समझ सकते हैं कहां मार रहा है, गलत जगह मार रहा है, गलत जगह मार रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो आप इसको सीधा सीधा बोलेंगे टू स्ट्राइक, या फिर मैं बोल सकता हूं टू हिट अनफेयरली, ठीक है जी? तो आप इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? टू हिट अनफेयरली, ठीक है जी? ठीक है, मतलब गलत तरीके से प्रहार करने को बोला जाता है आपका हिट बिलो द बेल्ट। तो अगर कोई भी इंसान है वो गलत तरीके से जो चीजों का प्रहार कर रहा है, मतलब गलत तरीके से आपको मार रहा है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई? हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है जी? तो टू स्ट्राइक अनफेयरली या फिर टू हिट अनफेयरली, पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ जा रहा हूं। नेक्स्ट मेरा इडियम आता है आज का हिट द जैकपॉट। अब देखो बड़ा प्यारी सी बात है कि भाई जैकपॉट को हिट कर लिया, इट्स मींस उसने जो एक ग्रेट या फिर बिग सक्सेस को अचीव करने को बोला जाता है टू हिट द जैकपॉट। तो इसके लिए क्या आता है? टू गेन या फिर टू अचीव ग्रेट सक्सेस, ग्रेट या फिर बिग सक्सेस, समझ रहे मेरे भाई मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं? कि कोई भी एक बड़ी या फिर महान जो उपलब्धि अगर आप उसको हासिल कर ले रहे हैं, उसको आप अचीव कर ले रहे हैं, तो उसके लिए टर्म मेरी क्या यूज की जाती है? हिट द जैकपॉट, पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे एक ऑप्शन चॉइस, बहुत दमदार इडियम था अपने टाइम का, और ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है मेरे भाई नो चॉइस एट ऑल, नो चॉइस एट ऑल, इट्स मींस एक ऐसी स्थिति कि जब इंसान के पास कोई और विकल्प ही ना बचे, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है ऑप्शन चॉइस। क्या बोला जाता है मेरे भाई? ऑप्शन चॉइस। तो ऑप्शन चॉइस एक ऐसी चॉइस होती है कि जहां कोई चॉइस ही नहीं होती, समझ रहे हैं ना मेरे भाई? ऑप्शन चॉइस कैसी चॉइस है? जहां कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है भैया, चुनना ही चुनना है। जैसे कि हम सभी यूथ्स के साथ हो जाता है कई बार कि जब हमारे मम्मी डैडी हमारी शादी के रिगार्डिंग कहीं पर जाते हैं और हमारी लिए जो क्या करते हैं, लड़का या लड़की देख करके पसंद कराते हैं, तो वहां हमारे पास चॉइस ही नहीं भाई, जैसी भी है लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना? तो उस स्थिति में क्या कंडीशन आती है आपके? ऑप्शन चॉइस, जो भी है जैसा भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन की जब कोई चॉइस ही ना हो, केवल एक ही ऑप्शन हो, तो उसको बोलते हैं नो चॉइस एट ऑल, और उसी को इडियम की लैंग्वेज में बोला जाता है ऑप्शन चॉइस। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है मेरा मेडन स्पीच, और मेडन स्पीच सबसे आसान है, कितनी दफा आप सभी ने पढ़ा होगा, इट्स मींस फर्स्ट स्पीच। किसी भी इंसान का जो सबसे पहला भाषण होता है उसको आप बोलते हैं हमेशा मेडन स्पीच, ठीक है जी? कोई भी जो इंसान है अगर वो सबसे पहली अपनी स्पीच दे रहा है तो उसको बोलेंगे आप मेडन स्पीच, पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए जी आगे बढ़ रहा हूं।
ये कह रहा है मेकअप वंस माइंड, अपने दिमाग को बना लेना। दिमाग को बना लेने का क्या मतलब है? इट्स मीन्स टू डिसाइड किसी चीज को लेकर के निश्चय कर लेना कि हाँ मुझे ये करना है, तो उस टर्म को बोला जाता है टू मेकअप वंस माइंड। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? क्या बोलते हैं? टू मेकअप वंस माइंड। तो टू मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर निश्चय कर लेना, अपना संकल्प कर लेना कि हाँ जी मुझे अब ये करना है। ठीक है जी, तो ऐसी टर्म में क्या बोले? टू मेकअप वंस माइंड। मेरे साथ के साथ आप भी बोला करें। चलिए भाई बात आगे कर लेता हूं। नेक्स्ट इंडिया में मेरा किथ एंड किन, और किथ एंड किन भी अपने आप में इजी है प्लस इंपोर्टेंट है, और इसका मतलब आपका होता है ब्लड रिलेशन। किथ एंड किन का आपका मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन आप सभी जानते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं अपने, जो हमारे जिनके साथ हमारा गहरा संबंध है, ठीक है जी, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? किथ एंड किन। तो किथ एंड किन का मीनिंग क्या निकलता है? ब्लड रिलेटिव्स या फिर ब्लड रिलेशंस। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? चलिए जी आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट इंडिया में मेरा लोयन शेयर, देखते ही समझ में आ गया होगा भैया। लोयंस मतलब शेर का हिस्सा, और भैया शेर है तो शेर छोटा मोटा हिस्सा नहीं लेगा, शेर को कौन सा हिस्सा चाहिए? सबसे बड़ा हिस्सा। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो इसका मतलब आपका क्या निकलता है? लोयन शेयर का बिग शेयर या फिर बिग पार्ट। लोयन शेयर का आपका क्या निकलेगा? सीधा सीधा सा भाई, बिग पार्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ लार्ज पार्ट, कि जो सबसे बड़ा मेरा हिस्सा था, जो सबसे बड़ा मेरा हिस्सा था वो किस पे जाएगा भाई? राजा पे जाएगा। राजा पे क्यों जाएगा? क्योंकि लोयन जो होता है अपने आप में जंगल का राजा होता है। अब भाई राजा है तो राजा छोटा मोटा थोड़ी लेगा कि जी 2000 रुपए कमाए मुझे 200 दे दो। नहीं जी, राजा क्या काम करेगा? अच्छा 2000 कमाए ठीक है, 1500 रुपए मेरे, 500 आपके। तो इसी प्रकार से जो लोयन है, लोयन का मतलब होता है जंगल का राजा। तो लोयन का जो हिस्सा होता है, इट्स मीन्स सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है उसको बोला जाता है लोयन शेयर, इट्स मीन्स बिग या फिर लार्ज पार्ट। पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई? आगे चल देता हूं। और नेक्स्ट मेरा इडियम आता है मेक बोथ एंड मीट। मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है भाई, ध्यान से इसको समझिएगा। और मेक बोथ एंड मीट जो आपका इडियम है, इसका मीनिंग होता है टू मेक बोथ एंड मीट जो इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स, टू लिव विद इन वंस मीन्स। समझ पाए होंगे इस पॉइंट को? थोड़ा सा फिर से समझना। टू मेक बोथ एंड मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स, इट्स मीन्स गुजारा मात्र करना। एक ऐसी परिस्थिति कि जब इंसान को अपना जो जीवन है उस जीवन को जीने के लिए इतने कम रिसोर्सेज मिले कि उसका मात्र गुजारा हो, उसके पास कोई शेविंग्स ना हो, कोई शौक ना हो, समझ रहे हो, केवल अपना दो का अपना खाना जुटा पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है मेरे भाई मेक बोथ एंड मीट। समझ रहे हैं? मेक बोथ एंड्स मीट। पॉइंट क्लियर हो गया? तो जब गुजारा मात्र हो, बहुत कम आपके पास पैसे हो, बहुत थोड़ी सी इनकम में आप अपना गुजारा कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? मेक बोथ एंड्स मीट। बात समझ में आ गई होगी? चलिए आगे चल देता हूँ। नेक्स्ट कह रहा है मेरा मैन ऑफ आयरन। अब देखो बड़ा इजी सा है और कुछ बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। ये कहेगा मैन ऑफ आयरन मतलब लोहे का आदमी या फिर लोहे वाला आदमी। समझ रहे? यही दिमाग में चलता है कि एक ऐसा आदमी जो कि लोहे का है। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कि जी वो होते हमारे लोह पुरुष। नहीं जी, उनको तो एक निकनेम दिया गया था। अब यहाँ पे लोहे का आदमी का मतलब आयरन का लेना देना नहीं है। इसका मीनिंग होता है कि अ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, ए मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक ऐसा इंसान जिसकी जो विल पावर है, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी जो संकल्प रखने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अ मैन ऑफ आयरन। बात समझ में आ गई? तो मैन ऑफ आयरन का मतलब क्या हो गया? अ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। बात समझ में आई मेरे भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ जा रहा हूं। नेक्स्ट और लास्ट आज का मेरा इडियम है लेम एक्सक्यूज। और लेम एक्सक्यूज आप सभी समझ चुके होंगे, फॉल्स एक्सक्यूज। इसका मतलब आपको क्या होता है? फॉल्स एक्सक्यूज, या फिर इसके लिए एक टर्म मैं और भी यूज कर सकता हूं, बेसलेस एक्सक्यूज। क्या बोल सकता हूं? बेसलेस एक्सक्यूज, इट मींस कोई भी आपका ऐसा एक्सक्यूज जिसका कोई अपने आप में बेस ही नहीं है, मतलब कोई भी एक ऐसा बहाना जिसको सुनते ही पता चल जाए कि सरासर झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसे सभी बहानों को बोला जाता है लेम एक्सक्यूज। समझ रहे हैं मेरे भाई? जैसे कि एक बच्चा है हमारा, एक बच्चा था, मैं क्लास ले रहा था, बच्चा जो 40 मिनट लेट आया। अब केवल 20 मिनट्स बची हुई थी, तो मैंने बच्चे को जो टॉक दिया, मैं बोला भाई लेट क्यों आया?
तो बच्चे ने मुझसे बोला, गुरुजी मैं आज इसलिए लेट आया क्योंकि अभी 5 मिनट पहले अर्थक्वेक आ रहा था और जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर रखा था कि अर्थक्वेक बहुत तकड़ा आने वाला है, तो अपने घरों में रहे, तो अभी मैं 5 मिनट पहले अर्थक्वेक को देख करके तब आ रहा। तो एक बात बताओ भाई, कितना तकड़ा झूठ उसने मेरे सामने बोला कि मैं अर्थक्वेक को देख करके आ रहा। तो ये ऐसा बहाना है जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। तो कोई भी ऐसा बहाना जो कि दिखते ही पता चले भाई साफ साफ झूठ बोल रहा है, ऐसे बहानों को बोला जाता है लेम एक्सक्यूज। ठीक है जी, तो ये आज मैंने फिर से अपना सेशन नंबर 4 जो था वो आप सभी के सामने क्लियर कर दिया। अब मेरा सेशन नंबर 5 बचता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही हो भैया लाइक कर देना, कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट कर देना, और अगर चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। और आपका कोई यार दोस्त पढ़ना चाहता हो जिसका मन हो इंग्लिश उसकी भी अच्छी हो, ठीक है, और आप भी चाहते हैं कि आप अपने किसी दोस्त की मदद करें, तो एक सच्चे फ्रेंड होने के नाते इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है जी, चलो तो मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।